नमस्कार मित्रों, गणगौर की शिव पार्वती जी की कथा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। गणगौर महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा मानी गई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में गए। चलते चलते वे बहुत ही घने वन में पहुंच गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मुझे प्यास लगी है। इस पर भगवान शिव जी ने कहा, देखो देवी, उस ओर पक्षी उड़ रहे हैं, उस स्थान पर अवश्य ही जल मौजूद होगा। पार्वती जी वहां गई। उस जगह पर एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी तो उनके हाथ में धूप का गुच्छा आ गया। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए, और तीसरी बार अंजलि भरी तो ढोलका नामक एक फल हाथ में आ गया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठने लगे, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद भगवान शिव शंभू ने उन्हें बताया कि आज चैत्र शुक्ल तीज है। विवाहित महिलाएं आज के दिन अपने सुहाग के लिए गौरी माता का उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए हुए दूब, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहाकर आ रहे थे। इस पर पार्वती जी ने विनती की कि हे स्वामी, दो दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां वहां आकर गणगौर के व्रत को करें और मैं खुद ही उनके सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दूं। भगवान शंकर ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में बहुत सी स्त्रियां का एक दल आया तो पार्वती जी को चिंता हुई और वे महादेव जी से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो पहले ही उन्हें वरदान दे चुकी हूँ, अब आप अपनी ओर से सौभाग्य का वरदान दें। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने उन सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने जैसे उन स्त्रियों की मनोकामना की पूरी की, वैसे ही भगवान शिव और गौरा माता से हमारी भी यही प्रार्थना है। इस कथा को कहते सुनते सभी सुहागन स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करें, उन्हें अमर सुहाग का वरदान दें। जय गणगौर माता। अगर मित्रों आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब